डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है केंद्रीय बजट 2024 में नए आयकर स्लैब की घोषणा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। बता दें कि यह उनका लगातार 7वां बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वेतनभोगी व्यक्तियों और करदाताओं को राहत देने के लिए नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब को संशोधित किया है। बता दें कि वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती सीमा मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी जाएगी। चलिए अब देखते हैं नई आयकर व्यवस्था के तहत संशोधित कर स्लैब। 0 से 3 लाख रुपए के बीच की आय पर 0% टैक्स, 3 से 7 लाख रुपए के बीच की आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए के बीच की आय पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए के बीच की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए के बीच की आय पर 20%, 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में कटौती की घोषणा की, जिसे वर्तमान में 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2024-25 के बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10% से बढ़ाकर 12.5% करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य कराधान मानदंडों को सरल बनाना और करदाताओं को संभावित रूप से और अधिक राहत प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है। वहीं विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटाकर 25% कर दी गई है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख रुपए तक की आय पर 0% तक का टैक्स लगेगा। 2. केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।